अंतर जिला बॉर्डर पर लगे बिहार खुर्द में एसएसटी चेक पोस्ट पर प्रतिबंधित चुंगद ने तंबाकू से भरे ट्रक को स्थानीय अपराध शाखा ने हिरासत में लेकर करीब 35 लाख का माल जब्त किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अंतर जिला बॉर्डर लगाए गए बिहार एसएसटी चेक पोस्ट पर अवैध सुगंधित तंबाकू से भरे ट्रक को स्थानीय अपराध शाखा ने पकड़कर लाखों रुपए का माल सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर आचार संहिता के मद्देनजर जिले में शराबबंदी, जुआ प्रतिबंध, अवैध व्यवसाय, अवैध तंबाकू पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सावली परिसर के एलसीबी चंद्रपुर के अधिकारी व कर्मचारी गश्त लगा रहे थे। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि प्रतिबंधित अवैध सुगंधित तंबाकू की बड़े पैमाने पर गढ़चिरौली से चंद्रपुर में तस्करी हो रही है। जानकारी के आधार पर एसएसटी चेक पोस्ट बिहार बोझ सावली तहसील में वाहन को रोक कर तलाशी ली गई। तलाशी दौरान 19,93,800 रुपये कीमत के सुगंधित तंबाकू और वाहन ऐसा कुल 34,93,800 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने छत्तीसगढ़ जिले के सुफेला गांव के इस्लाम नगर निवासी इरफान कुरैशी, मुस्तफा कुरैशी तथा मध्य प्रदेश के शाहपुर जिले के पैली निवासी संतोष कुमार सुंदर सिंह को हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुदर्शन ममक्का, अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, मूल के उप विभागीय पुलिस अधिकारी शिवलाल भगत के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार के नेतृत्व में सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक कांकेड़वार, पुलिस उप निरीक्षक संतोष निम्बोरकर, चेतन गज्जलवार, नितेश महाले, किशोर वाकाटे, अमोल सावे, प्रफुल गारघाटे, प्रमोद डंगारे ने की है।